अच्छा जी मैं नहीं जीते वजीर आजम नहीं वजीर आजम तो नहीं कहते जी मैं पीएम हाउस ही रहूंगा भाई क्यों रहेगा भाई इन्होंने प्राइम मिनिस्टर अच्छा मैं लेट मी कम टू द फिल्म ये हैरान हूँ बिल्कुल बाज दफ़ा जब क्राइसिस आता है ना तो एक अकलमंद अपेरेंटली अकलमंद आदमी की अकल पे पर्दे पड़ जाते कुरान हकीम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे रसूल मकबूल को कि उनके उनकी अकलों पे हमने कुफल डाल दिए नहीं मानेंगे तुम्हारी बात आपने बाकी का पढ़ा है उनके खिलाफ जो चार्जशीट है जिसके ऊपर केसेस जाने हैं जो आपसे रेलेवेंट उफ 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 यू कैन अंडर क्या फिर आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अगले 6 महीने विक्ट्री साइन देते जाएंगे और आप 13-13 गाड़ियां लेके जाएंगे और फिर आप कहेंगे रोको कोई रोक सकता है क्या हो गया आपको डू यू नॉट नो वट इज यू आर फेसिंग नॉट ओनली अपार्टमेंट दैट्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट आप फेस कर रहे हैं हिल साइड आप फेस कर रहे हैं 14-15 कंपनियां लंदन की फ्लैगशिप के बाद आप फेस कर रहे हैं रिमिटेंसेस 1 अरब 11 करोड़ की आप एक्सप्लेन कर रहे हैं मरियम बीबी तेरे को पैसे कितों आए यू हैव नो आइडिया what hell you are in aur aap keh rahe hain hamara kasoor kya hai ek pai ki corruption suno bete 15 grade ka jo mulazim hai government ka wo naukri nahi dusri le sakta aap kehte hain main marketing manager ban jaun as the prime minister of pakistan aap kehte hain main chairman of the board ban jaun capital fct main to khan hi leta wo le ya na le how can you do this to us You are the Prime Minister of this country. आप Prime Minister of the country हैं आप एक कतरी को जाके कहते हैं जिसका अपना character tainted है both in Jersey as well वो बड़ी कहानी है उसकी वो एक Why? आप ये कहते हैं सानू कहाँ सर ये तो इनका नहीं मुखारी साहब ये शरीफ फैमिली और यहाँ पाकिस्तान में जो केसेस चल रहे हैं वो तो कोई मुताबिकत ही नहीं रखते जो कतरियों के मामला हैं और 15 केसेस आपके नैब में दबे हुए हैं सर मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो क्लेम आया है बाकी फैसले के ऊपर अभी वो फैसला नहीं है वो डायरेक्शंस आगे आ गई हैं कि अब आपने ये करना है यहां रेफरेंस है सजा नहीं हुई उनके ऊपर